तो हमने आज मंगा लिया है अपना बोया का माइक, बोया बाय M1, और आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग। और आज के बाद सारे वीडियो हैं वो इसी के साथ रिकॉर्ड किए जाएंगे, इसी की ऑडियो से। तो आज के बाद आपको ऑडियो क्वालिटी बेहतर लगेगी हमारे चैनल पर। तो इसके पीछे सारी डिटेल्स इस तरह से लिखी होती है, क्या क्या इसके अंदर यूज़ किया गया है, कौन कौन से कंपोनेंट और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको इसके पीछे मिल जाएगी। चलिए हम जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। तो इसको हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक पाउच मिलेगा ब्लैक कलर का, इस पाउच के अंदर ही सारा कुछ मिलने वाला है। तो ये इस तरह के, और इसमें अंदर देखते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर मिलते हैं, इसमें डिटेल मिलेगी आपको कि इसमें कैसे यूज़ करना है इसको, और इसके अंदर बैटरी वगैरह कैसे लगानी है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सारी डिटेल में लिखे हैं, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसको करते हैं साइड में, इस पाउच के अंदर देखते हैं, काफ़ी ठीक ठाक सा है ये पाउच, इसके अंदर आप अपने माइक को रख सकते हैं संभाल के। ये इस तरीके का माइक मिलता है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये माइक काफ़ी लंबा होता है, और साथ में यहाँ पे ये मिलते हैं इसके फॉर्म जो माइक के ऊपर लगाने के लिए होते हैं, जो वॉइस को फिल्टर करते हैं। साथ में एक बड़ा वाला इसमें कनेक्टर भी मिलता है जो कि ये कैमरे के काम आता है। जल्दी निकाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये है, ये है इसका फॉर्म, छोटा सा फॉर्म, जो फॉर्म आप इस माइक के ऊपर लगाएंगे, ये फॉर्म है यहाँ पर। और ये जो केबल है कैमरे में लगाने के लिए, और ये क्लिप है जो कॉलर में लगाने के लिए, ये है बैटरी इसकी। तो ये सारा सामान मिलता है हमें इस बॉक्स के साथ में, और ये काफ़ी बड़ी केबल है जो कि एक बेल्ट के साथ लग के आती है, और यहाँ पे इस तरह को इस केबल को आप अपने कॉलर में लगा सकते हैं। इस साइड आप काफ़ी लंबा होता है, करीबन 20 फीट लंबा होता है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। इस तरीके से ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो बैटरी दी गई है उस बैटरी को लगाएंगे इसके अंदर। वो बैटरी इसकी जो पावर होती है उसको बढ़ाने के लिए होता है, जो कि कैमरे के लिए काम करता है। जब आप कैमरा यूज करेंगे तो वहाँ पर आपको इस बैटरी का यूज़ होगा, अदरवाइज़ आप स्मार्टफोन के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया होता है, ये स्विच है, यहाँ पे लिखा भी होता है जब आप स्मार्टफोन ऑन करें तो आप नीचे नीचे की तरफ रखें ऑफ करके, और जब ऑन करेंगे तो वो कैमरे के लिए है, तब आपका बैटरी का यूज़ होगा, क्योंकि तो काफ़ी लंबा वायर होता है और कैमरे के साथ जब काम करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी उसको पावर चाहिए होती है। तो इस फॉर्म को हम इस माइक के ऊपर लगा लेते हैं इस तरीके से, बहुत आसानी से लग जाता है। साथ में जो क्लिप है उस क्लिप को आप इसको ऐसे रख के दबाएंगे तो वो क्लिप आपको इसमें पंच हो जाएगी, और इसको आप अपने कॉलर में लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, बाकी अब आप सब देखते रहिए हमारे वीडियो को।